आज की इस टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में मैं आपको कुछ ड्रम के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि हमारी मिस्टेक की वजह से अक्सर जो है वो ड्रम के ऊपर जो है वो इस तरह का निशान या डॉट जो है वो पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो डेवलपर जो जिसकी वजह से डेवलपर जो है वो सॉरी गिरना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि जब हम लीगल रुख का पेपर चलाते हैं तो उस रुख पे ये निशान जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो इस निशान को जो है आपने अपोजिट साइड पे कर देना है, और इस तरह से आपने एक राड लेना है, और राड की मदद से जो है वो ड्रम के जो खापे हैं ये निकाल के आपने एक साइड का दूसरी साइड पे और दूसरी का पहली साइड पे कर देना है। ऐसे करके आपने तो एक तो आपने ड्रम की साइड जो है वो आपने तब्दील कर लेनी है, ताकि जो ड्रम का रुख है वो चेंज हो जाए, और ताकि जो ड्रम का निशान है रुख चेंज करने से ड्रम का जो निशान होता है वो एक साइड से दूसरी साइड तक चला जाता है। एक तो ये हो गया। अब आप लीगल कॉपी करेंगे तो फिर जो है वो ये प्रिंट के ऊपर ये निशान जो है वो हरगिज़ नहीं आएगा, ताकि ये दूसरी साइड पर चला जाता है। और अगर आप ये निशान जो है वो पहली वाली साइड पे ही रहता तो फिर तो लीगल कॉपी जो आप करते हैं पेपर जो लीगल पेपर की कॉपी करते हैं उसके ऊपर ये निशान आना था। अब ये चला गया है दूसरी साइड पे। अब दूसरी साइड पे निशान को जो है वो आपने कैसे कवर करना है, इसके ऊपर जो है वो आपने ये वाइटो जो कि अक्सर हो सकता है कि आपकी शॉप पर भी हो, आपने ये लेके जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसको ऐसे जो है वो कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि एक तो ड्रम जो है वो शॉर्ट नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे क्या नाम है कि ड्रम जो है वो डेवलपर जो है वो पहले की नस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा कम गिराएगा। अक्सर क्या होता है कि डेवलपर ड्रम शॉर्ट होने की वजह से जो है वो डेवलपर जो है वो गिरता रहता है, और जिसकी वजह से डेवलपर का नुकसान होता है, और आपको पता है कि डेवलपर का जो है वो क्या रेट है। तो बेहतर तो यह है कि आप इस तरह से वाइटो लगाएं और डेवलपर को जो है वो गिरने से बचाएं। इससे ड्रम की शॉर्टेज भी नहीं होगी और आपका डेवलपर जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम गिरेगा पहले ही की निस्बत। कन्फर्म तो मैं नहीं कहूँगा कि कन्फर्म जो है वो ये वाइटो लगा देंगे तो आपका डेवलपर जो है वो कभी भी गिरेगा नहीं, बल्कि गिरेगा सही लेकिन पहले की निस्बत जो है वो कम गिरेगा। इस तरह से करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए खुशक होने देना है। अब ये खुशक होता है थोड़ी देर के लिए, तो इसको मैं हाथ से थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा उतारूंगा, ताकि अगर थोड़ा थोड़ी कोई कच्ची वाइट हो आया तो वो भी उतर जाए। इसके बाद जो है वो दोबारा एक दफ़ा फिर से जो है वो इसके ऊपर वाइटो कर दूंगा ताकि ये मज़बूत हो जाए। तो इस तरह से करके जो है वो आप अपने डैमेज ड्रम को शार्ट होने से भी बचा सकते हैं, और डेवलपर जो कि अक्सर गिरता रहता है उस डेवलपर गिरने से भी आप ऐसे जो है वो बचा सकते हैं। अच्छा, कुछ भाई जो है वो मैंने देखा है कि अक्सर जो है वो पेंट मार देते हैं इसके ऊपर। देखें, पेंट का तो मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं, ना ही मैंने ये तजर्बा किया है, बल्कि जो मेरे ख्याल से जो है वो ये वाइटो जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है ड्रम को कवर करने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे इसी चैनल पर नया है तो मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी मालूमती वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहें। अभी ये इसके ऊपर से जो अभी जो कच्ची कच्ची वाइट होती वो मैंने हाथ से उतार दी है। अब दोबारा जो है वो इसके ऊपर जो है वो वाइटों का एक और कोट कर दिया, ताकि ये थोड़ी मजबूत रहे। तो जब ये खुशक हो जाए तो इसको जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो अपने जो मशीन है ड्रामीटर उसके अंदर फिट करें और लगाएं। एक तो इस तरह करने से आपका प्रिंट के ऊपर निशान भी नहीं आएगा और डेवलपर भी काम करेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।